हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। काफ़ी दिनों बाद दोस्तों आरसीएफ और एनएफएल पर वीडियो आता हुआ देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली अब स्टॉक में तेज़ी के संकेत नज़र आ रहे हैं। पहले डेफिनेटली स्टॉक ने एक बुल रन दिया, 25% की रैली आई, फिर गिरावट हुई एंड अब अगेन दोस्तों तेज़ी के संकेत जो है वो आपको आरसीएफ और एनएफएल के काउंटर में मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या रणनीति बनानी चाहिए आपको इन स्टॉक्स में, क्या खरीदारी की और आपको रुझान रखना चाहिए या फिर बिकवाली करनी चाहिए, सब पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आप यहां पर आज के मार्केट के हालात देख सकते हैं। आज निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग दी है, आप यहां पर देख सकते हैं 25.85 पॉइंट ऊपर दोस्तों निफ्टी ने क्लोजिंग दी है एंड बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 42 पॉइंट ऊपर ही रहा है। तो ओवरऑल आज मार्केट में फ्लैट क्लोजिंग थी बट डेफिनेटली आज सरकारी स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम था। चाहे आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स ले लीजिए या रेलवे स्टॉक्स ले लीजिए, शानदार मोमेंटम था। एनबीसीसी, आईआरएफसी, RVNL, RCF, NFL, इन सभी काउंटर्स में शानदार मोमेंटम था। अगर अपन RCF की बात करें तो 3% ऊपर ये बंद हुआ है, RCF 2.25% ऊपर, स्पिक 3% ऊपर एंड मद्रास फर्टिलाइजर में भी शानदार तेजी थी। वहीं अगर अपन खबरों की बात करें तो अभी 2-3 हफ्तों से कोई खास खबर नहीं है। 2 हफ्ते पहले खबर आई थी सिंपल वॉल स्ट्रीट की तरफ से, NFL 3 ईयर्स अर्निंग ग्रोथ ट्रेल्स द स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर रिटर्न्स। तो यहां पर अर्निंग्स की बात की गई थी एंड अगर अपन स्टॉक के चार्ट देखें तो 27 मार्च से 12 अप्रैल के अगर आप चार्ट देखेंगे 25% का मोमेंटम इस काउंटर में बना है, लेकिन फिर उसके बाद आप देखिए लगभग 9.5% ये शेयर गिरता हुआ देखने को मिला है। तो अभी भी दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि 9% तक की तो अपसाइड आपको मिनिमम इस काउंटर में बनती हुई देखने को मिले। वहीं अगर अपन लास्ट पाँच दिनों में कंसिस्टेंटली स्टॉक ने तेज़ी करी है और अभी अगेन दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि अगर 80 के पार ये शेयर निकला तो 82-84 के तो मिनिमम टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर अपन आरसीएफ की बात करें तो दोस्तों 28 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में इस स्टॉक ने भी लगभग 18% की तेजी करी है बट ये शेयर कंपैरेटिवली कम गिरता हुआ देखने को मिला है। आप यहां पर देखिए 4% गिरा, फिर अगेन 4% रिकवर कर गया है। तो अभी डेफिनेटली दोस्तों आरसीएफ थोड़ा आपको अच्छी तेजी करके दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों लास्टली अगर आप देखेंगे तो NFL अपना फ्रेश 52 वीक हाई जो है वो दर्ज कर चुका है, लेकिन ये काउंटर अभी भी अपने 52 वीक हाई के 26% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये कंफर्ट देता है दोस्तों RCF के शेयर होल्डर्स को। वहीं अगर अपन NFL की वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 8 मिलियन की वॉल्यूम आज इस स्टॉक में आती हुई देखने को मिली है और करंटली ये 13% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से। एंड अगर अपन इस हफ्ते की बात करें तो दोस्तों अंडर परफॉर्मर से ये काउंटर आउट परफॉर्मर ट्रेजेक्ट्री में बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं इस महीने में 7% शेयर चल चुका है और निफ्टी 4.82% चल चुका है। वही सेंटीमेंट्स की बात करें तो 88% लोग बुलिश है, 12% बियरिश है और ट्रेंड स्टॉक का वेरी बुलिश है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेंड में काफी तगड़ा चेंज आता हुआ देखने को मिल रहा है और यहां पर आप यहां ये भी देखिए कि फोरम सेंटीमेंट जो है वो टोटल बुलिशनेस का इशारा कर रहा है। तो ये एक और अच्छा इंडिकेशन है कि स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं स्टॉक के रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो इंट्राडे बेसिस पर ये तीनों रेजिस्टेंस थे 76.70, 77.70 एंड 78.70। तो अब डेफिनेटली दोस्तों ये थर्ड रेजिस्टेंस स्टॉक को क्लियर करना है। अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर कर लिया तो होप सो 81 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे और लोअर साइड पर मेरी यही सलाह है दोस्तों 76 का आप करंट स्टॉप लॉस जो है वो इस काउंटर में रख सकते हैं। अगर अपन डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 84 लाख की वॉल्यूम आज स्टॉक में आती हुई देखने को मिली और कल 21% का डिलीवरी परसेंटेज आपको आता हुआ। तो अब अगर RCF की बात करें दोस्तों तो RCF का शेयर करंटली 26% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से। तो आप कंपैरिजन करें NFL और RCF में, NFL मात्र 13% नीचे ट्रेड कर रहा है और RCF लगभग 26% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो करेक्शन इसमें गहराया था और ये अपने 52 वीक हाई से भी 52 वीक लो से भी लगभग दोस्तों 51% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ब्लॉक डील की बात करें तो यहाँ पर आज एक ब्लॉक डील होती हुई देखने को मिली है और इस महीने में 12% शेयर उछलता हुआ देखने को मिला है। निफ्टी के कंपैरिजन में इसने तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। वही अगर अपन फोरम सेंटीमेंट की बात करें तो 75% लोग बुलिश है, 25% लोग बियरिश है। तो रिटेल सेंटीमीटर अगेन अप ट्रेंड का यहाँ पर इशारा कर रहा है, पॉजिटिव है मेजॉरिटी पब्लिक जो है। वहीं अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजरली दोस्तों यहां पर रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 110 रुपए का बन रहा है। अगर 110 रुपए का लेवल ये शेयर तोड़ देगा तो जरूर दोस्तों 120 से 125 तक के लक्ष्य बन सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है दोस्तों कि इस काउंटर में आप बने रहिए और 110 रुपए के लेवल के ऊपर अगर ये शेयर निकले तो जरूर दोस्तों पोजिशन बनाइए और मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स में आपको तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और मिनिमम 10% तक की तो अपसाइड दोनों काउंटर्स में आपको जरूर बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों फॉर वीडियो, अगर वीडियो लगाओ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।